वेलकम बैक टू माय चैनल हिंस ब्लॉग। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये गणेशा मिरर आर्ट वॉल हैंगिंग डेकोर आइडिया। सो मैंने आपके साथ एक और मिरर आर्ट शेयर किया है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एंड चेक इट आउट। सो मैं आपके साथ मटेरियल लिस्ट भी शेयर कर रही हूँ, तो हेयर इट इज़। सो ये सारी मटेरियल लिस्ट है जो मैंने यूज़ की है, एंड ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही दे दिया है। अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप MDF बोर्ड यूज़ कर सकते हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, MDF के ऊपर आप डायरेक्ट जेसो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये मेरा कार्डबोर्ड है एंड मैंने इसको अच्छे से पेंट कर दिया एंड सूखने के लिए रख दिया है। तो अगर आपका ये पेस्ट बच जाता है तो आप एक टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गणेश जी बना लिए हैं एंड मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ, और मैं सिर्फ ये क्ले गणेश पार्ट में ही इसको लगाऊंगी फेविकोल की हेल्प से। एक्चुअली मेरे पास बड़ी कैन है फेविकोल की, सो इसलिए मैं पेंट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ फेविकोल को स्टिक करने पे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा क्ले पार्ट हो गया है एंड मैं मिरर यूज़ कर रही हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैं मिरर यूज़ कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना पहले एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करने थे और उसके बाद मुझे मिरर वर्क करना चाहिए था। मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने पहले सारे मिरर फिक्स कर दिए उसके बाद पेंट करा। तो यहाँ पे मेरे एक्रेलिक पेंट सारे ब्लॉक्स मैंने कर दिए हैं। अब मैं जो भी मेरा क्ले वाला एरिया है सो मैंने उसके ऊपर वाइट कलर कर दिया है, और अब मैंने पेंट करना शुरू कर दिया है गणेशा।
सो द कलरिंग पार्ट ऑलमोस्ट डन। तो इसको हैंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेटल वायर, एंड मैंने स्केल और पेंसिल से बीच का सेंटर मार्क करके इसको स्टिक कर दिया ग्लू गन से। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।